जानिए कैसे बनाया अमृता बाजार पत्रिका ने अंग्रेजों का पोपट। बात है 1878 की, जब लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, वो न्यूज़पेपर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं, वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखेंगे तो उनको जेल हो सकती थी। अब इस बात को देखते हुए अमृता बाजार पत्रिका ने क्या किया, उसने रातों रात अपना पेपर हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट कर दिया और इस एक्ट के अंदर आने से बच गए।